ये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर है, जहां आप देखेंगे तो एक ऑपरेशन के लिए एक डॉगी को अंदर रखा गया है। और आज सुबह का वैसे समय है पूरा, मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार यहां कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ यहां एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट को लाया गया है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या ट्रीटमेंट है, बट उसके भी अभी आगे ट्रीटमेंट में हम देखेंगे। यहीं बाहर की तरफ चलेंगे तो बहुत सारे जीव जंतु जो है, यहाँ बंदर वगैरह हैं और डॉग्स हैं, कैट्स हैं, सभी का ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर हमारी जो बहन है वो साफ सफाई का कार्य कर रही है, जो विंडोज की सफाई होती है। और यहाँ देखेंगे तो पीछे प्रोलैप्स की बीमारी से एक गौ माता जूझ रही थी, जिसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। दूसरी टीम वहाँ पर एक ड्रेसिंग जो आई सी वार्ड के अंदर गाय है उसकी ड्रेसिंग में लगी हुई है। लगातार ओपीडी के लिए और फर्स्ट एड के लिए जो भी अभी ट्रीटमेंट आया है, डॉक्टर्स की जो टीम है वो उसको ट्रीटमेंट के लिए निकल गई है, वो वहाँ पर उसको देखेंगे। अन्य जी इधर वार्ड में आप देखेंगे तो बहुत सारी गौवंश है जिनके पैर फ्रैक्चर की वजह से टूट गए हैं, तो हमने उनकी यहाँ पर ड्रेसिंग की है। इधर कोई भक्त आए हुए हैं जो हमारे गौ सेवा करते हैं, जो गौ सेवक हैं उनके लिए कुछ सेवा जो लेकर के आए हैं वो उनको सभी को वितरित कर रहे हैं। ये सेवाएँ यहाँ शुरू से ही 9 बजे से प्रारंभ हो जाती है, तो ऐसी सेवा में आप सब लोग जुड़े, मेरा निवेदन है अच्छे अच्छे सेवा कार्य करें, गौ सेवा से जुड़े, यही सबसे निवेदन करते हुए ये सेवाएं लगातार यहाँ गौ माता के लिए ऐसे ही चलती रहेंगी। आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार से जीव जंतुओं की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करिए। बंटी क्या कर रहा है? पार्ले जी जो बिस्कुट है बच्चों को इधर यहाँ पर खिलाया जा रहा है। इधर भी आप देखें तो बहुत सारे डॉग्स हैं, उनकी जो यहाँ पर सेवा की तैयारी की जा रही है, जिनको बीमारी है फ्रैक्चर की वजह से, और उन सबको यहाँ ट्रीटमेंट भी किया जाता है। कैट्स हैं, सभी अन्य जीव जंतुओं का विशेष ख्याल रखा जाता है, गौ माता का, उनके चारे का, ये सब गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के तत्वाधान में यहाँ पर हो रहा है।